हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल एंड आई वेलकम यू वंस अगेन इन अंकित फाइनेंस क्लब। दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एसबीआई लाइफ ऑफर फॉर सेल। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसका ऑफर फॉर सेल आ चुका है, यानी आप उसके शेयर में बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कब बाय कर सकते हैं, कब इसके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्रमोटर्स होते हैं, जैसे एसबीआई लाइफ की बात करें तो इसके दो मेन प्रमोटर हैं, एक तो एसबीआई कंपनी खुद और दूसरी बीएनपी परिवास कार्डिफ कंपनी। एसबीआई कंपनी दोस्तों आप जानते हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और अगर मैं आपसे बात करूं बीएनपी परिवास की, तो ये फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। तो एसबीआई जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसके 57.6% शेयर एसबीआई के पास है और 5.2% बीएनपी के पास है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो प्रमोटर होते हैं, जैसे एसबीआई इसका प्रमोटर है, वो अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेचते हैं, यानी जो उसके पास 57.6% स्टेक है एसबीआई के पास, उसमें से जब कुछ हिस्सेदारी वो पब्लिक को बेचता है, अपनी हिस्सेदारी कम करता है, तो इसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो जी हाँ दोस्तों, एसबीआई भी अपना स्टेक बेच रहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में कितना स्टेक बेच रहा है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, और वैल्यू वाइज देखें दोस्तों तो 75,000 करोड़ से बड़ी इसकी कंपनी है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं डिटेल में कि क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो दोस्तों, यहाँ पे एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वो अपनी 2.1% हिस्सेदारी बेच रहा है एसबीआई लाइफ में से। तो अगर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो करीबन 2.1 करोड़ शेयर सेल कर रहा है। और दोस्तों, ये जो शेयर सेल कर रहा है, दोनों कैटेगरी को ही सेल कर रहा है, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को। मैं रिटेल इन्वेस्टर पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि हम ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये फ्राइडे को ओपन हो गया था, 12 जून को ही ओपन हो गया था, और काफी बड़ी मात्रा में इसके लिए डिमांड आई। और दोस्तों, हम बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की, तो हमारे लिए इसी मंडे को 15 जून 2020 को ये ऑफर फॉर सेल ओपन होगा। तो अब बात कर लेते हैं पहले नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स की, फिर हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की। तो दोस्तों, नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं बताया आपको फ्राइडे को ही ओपन हो गया था, जो कि आपकी डेट थी 12 जून। तो दोस्तों, इसमें जो शेयर्स ऑफर्ड किए गए थे वो 18.9 मिलियन शेयर ऑफर किए गए थे। एंड दोस्तों, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज टू नो कि इसके लिए जो बिड्स रिसीव हुई, यानी जो लोगों ने अप्लाई किया इन शेयर को लेने के लिए, उसकी जो वैल्यू थी डबल से भी ज्यादा थी, यानी 38.7 मिलियन से भी ज्यादा बिड्स रिसीव हुई, यानी इतने लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके शेयर बाय करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका जो फ्लोर प्राइस है, जो रखा गया है एसबीआई की तरफ से, वो ₹725 पर शेयर रखा है। यानी जब आप बोली लगाएंगे कि आप कितने में ये शेयर बाय करना चाहते हैं, कितने शेयर बाय करना चाहते हैं, तो एक शेयर आपको ₹725 में मिलेगा। पर दोस्तों, जो बोली लगी एक्चुअली, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहते हैं, उनके यहाँ से जो मैक्सिमम बोली आई वो 725 से ऊपर भी हो सकती थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बोली आई है वो ₹741 की आई है, यानी ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एसबीआई से ₹741 में शेयर खरीदना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी डिमांड आई है। अब दोस्तों, मैं बात करने जाऊँ रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी दोस्तों करीबन 2.1 मिलियन शेयर्स अवेलेबल होंगे। और ये जो ऑक्शन ओपन होने वाला है दोस्तों, ये मंडे को ओपन होने वाला है, यानी 15 जून 2020 को। तो आप भी इसमें मंडे को खरीद सकते हैं दोस्तों। 725 फ्लोर प्राइस है, यानी 725 से आप इसकी बोली लगा सकते हैं, आप कितने में खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो मार्केट में इसके प्राइस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, 12 जून को जब ये क्लोज हुआ था, तो मैंने इसका ये चार्ट लगा रखा है आपको, ये क्लोज हुआ था ₹751 के आसपास। तो दोस्तों, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको शेयर आगे जाके एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन एक आपसे शेयर करनी थी मुझे, कि एसबीआई लाइफ का ऑफर फॉर सेल आया हुआ है, जिसमें आप मंडे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ यहीं पे, कि रिलायंस के राइट शेयर के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया था और काफी लोगों को ये अलॉट हो गए, पर जो इसकी लिस्टिंग है वो भी दोस्तों मंडे को होने वाली है, 15 जून 2020 को होने वाली है। तो दोस्तों, उसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, किस तरीके से आप क्या चीजें देखेंगे, उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से या मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब में जाके उसको देख सकते हैं, हो सकता है वो आपको कुछ यूजफुल हो। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।